नमस्कार दोस्तों, अभी आप लोग जो एनिमेशन वीडियो क्लिप देखे हैं वो मैंने क्रिएट किया है अपने मोबाइल से सिर्फ 5 मिनट के अंदर। अगर आप लोग भी सेम इसी तरह का एनिमेशन वीडियो क्रिएट करना चाहते हो भी अपने मोबाइल से सिर्फ 5 मिनट के अंदर, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। बहुत ही ज्यादा आसान होता है इस तरह का एनिमेशन वीडियो क्रिएट करना, इसलिए दोस्तों वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, तभी जाके आप लोग अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और मैं आप लोग को भाई फुल डिटेल में बताऊंगा कि मटेरियल कैसे डाउनलोड करना है, बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे ऐड करना है, आप लोगों को क्रिएट कैसे करना है, फुल डिटेल में बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए सबसे पहले आप लोग को यहां पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैं आप लोग को बता देता हूं कि मटेरियल्स कैसे डाउनलोड करना है। तो आप लोग को दो ऐप की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आप लोग को अपने मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद सर्च वाले पे क्लिक करना है और यहां पे आप लोग को सर्च करना है इमेज सर्च, इतना लिखकर आप लोग को सर्च कर देना है। अब दोस्तों यहां पे देख सकते हैं ये ऐप आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, इस ऐप को आप लोग को इंस्टॉल कर लेना है। इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद फिर बैक आना है और फिर दोबारा सर्च वाले क्लिक करके सर्च करना है बैकग्राउंड इरेजर, इतना लिखकर आप लोग को सर्च कर देना है। ये वाला ऐप आप लोग को दिखाई देगा, इसको भी इंस्टॉल कर लेना है। अब ये दोनों ऐप जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों ऐप एनिमेशन वीडियो क्रिएट करने के लिए। तो आप लोग को इंस्टॉल करने के बाद डायरेक्ट कट कर देना है। अब कट करने के बाद आप लोग को मटेरियल डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, अपने मोबाइल के अंदर इमेज सर्च को ओपन करना है, जो अभी आप लोग ऐप इंस्टॉल किए हैं उसको यहाँ पे ओपन करने के बाद आप लोग को सबसे पहले सर्च करना है कार्टून बैकग्राउंड। अब आप लोग को सबसे पहले कार्टून बैकग्राउंड ही डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, सिंपल से जिस इमेज को आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करना, नीचे एरो का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि मुझे यही वाला डाउनलोड करना है, तो नीचे एरो वाले पे आप लोग को क्लिक कर देना है, ये ऑटोमेटिक आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। अब आप लोग को बैक आना है। अब आप लोग को मोटू पतलू वाला जो मैं स्टार्टिंग में दिखाया था, मान लेता हूँ मैं सेम उसी तरह से बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग को करना क्या है, मोटू पतलू PNG, इतना आप लोग को लिख देना। अब PNG में ये मोटू पतलू का इमेज आ जाएगा। अब आप लोग को इमेज को इस तरह से जैसे अभी पीछे डाउनलोड किए हैं सेम उसी तरह से इसको भी डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करना, फिर बैक आना है। अब मान लेता हूँ मुझे 4 हेड चाहिए, मतलब 4 सिर चाहिए, 4 या 5 चाहिए, 3 भी आप लोग लगा सकते हैं, अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन मैं 4 सिर को लगाऊंगा। तो 4 सिर लगाने की मैं यहाँ पे आप लोग को दिखाऊंगा, ठीक है, लगा के। अब आप लोग को करना क्या है, बैक आना है। मान लेता हूँ मुझे दूसरा वाला कार्टून बॉय का भी सिर चाहिए, तो यहाँ पे रोबो बॉय PNG में लिख देता हूँ। अब देख सकते हैं इसका भी सिर मैं ले लेता हूँ, इसको भी डाउनलोड कर लेना। फुल इमेज डाउनलोड करना है, मतलब PNG में ही डाउनलोड करना है, ठीक है। इसी तरह से आप लोग कार्टून PNG इमेज अगर सर्च करते हैं तो आप लोग को बहुत ज्यादा कार्टून देखने को मिल जाएगा, आप लोग किसी भी सिर को लगा सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग को डाउनलोड कर लेना है। अब डाउनलोड करने के बाद डायरेक्ट आप लोग को कट कर देना है। अब दोस्तों सिर को और शरीर को अलग करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, इरेजर पर जो अभी बैकग्राउंड इरेजर अभी डाउनलोड किए हैं, इंस्टॉल किया है, उस ऐप को यहाँ पे ओपन करना है। ओपन करने के बाद लोड ए फोटो का एक ऑप्शन दिखाई देगा, मैं आप लोग को देखिए स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब लोड ए फोटो पे क्लिक करते ही आप लोग को गैलरी का ऑप्शन दिखाई दे देगा। अब मान लेता हूँ मैं यहाँ पे सिर्फ मतलब समझ लीजिए इसको मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया, मतलब डाउनलोड किया हूँ, सॉरी दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, मान लेता हूँ मुझे इसको चाहिए सिर्फ अभी मोटू भर का यहाँ पे इमेज चाहिए, तो करना क्या आप लोग को सबसे पहले यहाँ पे डन कर देना। अब डन करते यहाँ पे देखिए इरेज का एक ऑप्शन आ जाएगा, आप लोग को सेव इस तरह से यहाँ पे इसको बढ़ा भी सकते हैं, थोड़ा मोटा भी कर सकते हैं, इस तरह से इसको यहाँ पे इरेज कर देना। अब देखिए इरेज कर देना, अभी देखिएगा यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए अब यहाँ पे हो चुका है। अब आप लोगों को करना क्या है, देखिए मोटू पतलू का जो है ना वो सिर भी हमें चाहिए और शरीर भी चाहिए, दोनों चाहिए, लेकिन दोनों अलग अलग चाहिए, सिर अलग हो और शरीर अलग हो। और जितने भी इमेज अभी डाउनलोड करेंगे आप लोग 4 इमेज जो अदर है तो उसका क्या करना है, सिर भर चाहिए। तो आप लोग को क्या करना है, इस तरह से जैसे कि मुझे सिर चाहिए तो इस तरह से बारीकी से आप लोग को इस तरह से सिर को छोड़ देना है और शरीर को यहाँ पे मिटा देना है, ठीक है। सिर को छोड़ के शरीर को इस तरह से मिटा देना है, फिर इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद फिर दोबारा आप लोग को शरीर को मिटा देना और सिर को मिटा देना और शरीर को यहाँ पे सेव कर लेना है, दोनों स्टेप हो जाएगा आपका। और जितने 3 इमेज बचेंगे उसका सिर्फ सिर चाहिए तो शरीर को आप लोग इरेज कर दीजिएगा और सिर को सिर्फ यहाँ पे करके, और उसके बाद यहाँ पे सिंपल तरीके से मैं आप लोग को दिखाई देता हूँ। यहाँ पे देखिए जैसे सिर भर रही है, यहाँ पे इस तरह बारीकी से करना है, ऐसा नहीं कि मतलब थोड़ा कटिंग वटिंग हो, उसका डन कर देना है। डन करने के बाद सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आप लोग को सेव पे क्लिक कर देना, ये ऑटोमेटिक आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। सेम इसी तरह से आप लोग इरेज कर लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं चारों इमेज अगर बारी बारी से इरेज करने के लिए तरीका बताने लगूंगा तो भाई बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। तो आप लोग को इस तरह से सेव कर लेना है। अब सेव करने के बाद अब आप लोग को करना है क्रिएट। तो दोस्तों उसके पहले बैकग्राउंड म्यूजिक की जरूरत पड़ेगी, तो मैं आप लोग को जब क्रिएट करूंगा तभी उसका नाम भी बताता रहूंगा और आप लोग को दिखा भी दूंगा कैसे
कैसे डाउनलोड करना है आप लोग को, भाई सिंपल तरीके से यूट्यूब पे जाना है और बैकग्राउंड म्यूजिक जिस नाम मैं बताऊंगा उस नाम को यहाँ पे सर्च कर देना, बस आपको मिल जाएगा। अब सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, काइनमास्टर को ओपन करना है। मैं दोस्तों काइनमास्टर के अंदर बताता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा ईजी ऐप होता है। अब देखिए काइनमास्टर को ओपन करने में ऊपर क्रिएट न्यू का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों देखिए मैं कोई भी टॉपिक बताता हूँ तो पहले मैं अपना एक्सपीरियंस बना लेता हूँ, ट्राई कर लेता हूँ, उसको अपने दूसरे चैनल पर अपलोड भी कर देता हूँ, तभी जाके आप लोग को बताता हूँ। नहीं विश्वास है तो यहाँ पे आप लोग को मैं ओपन करके दिखा देता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इस वीडियो को क्रिएट किया है, देख सकते हैं ठीक है। तो मैं क्रिएट करके पहले देख लेता हूँ तो आप लोग को भाई फिर दोबारा से मैं रिन्यू करके बता रहा हूँ। तो देखिए क्रिएट न्यू का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आप लोग को इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते हैं 9:16 का यहाँ पे सेकंड नंबर रेशियो शॉर्ट का होता है, तो मैं आप लोग को शॉर्ट में नहीं बताऊंगा लॉन्ग में बताऊंगा। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे 16:9 का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आप लोग को फर्स्ट वाले पे लॉन्ग वीडियो पे यहाँ पे क्लिक कर देना, उसके नीचे क्रिएट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आप लोग को नीचे क्रिएट वाले पे क्लिक कर देना। अब दोस्तों एनिमेशन वीडियो क्रिएट करने के लिए वीडियो एडिटिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए दोस्तों वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा तभी जाके आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को मीडिया के एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आप लोगों को मीडिया पे क्लिक करना है और अभी आप लोग जो बैकग्राउंड इमेज डाउनलोड किए हैं उसको यहाँ पे ऐड कर देना है, फिर बैक जाना है। बैक जाने के बाद इसका जो लेंथ है 4 सेकंड तक का है, तो इसको आप लोग को इस तरह से बढ़ा देना है। मैं आप लोग को एग्जांपल बता रहा हूँ तो यहाँ पे 25 या 28 सेकंड तक रख लेता हूँ, आप लोग अपने वीडियो के अनुसार रखिएगा। अब आप लोग को स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाना है, फिर आप लोग को बैक करना है। बैक करने के बाद लेयर का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आप लोगों को लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है और अभी आप लोग जो भाई PNG में मोटू का सिर और शरीर अलग किए हैं उसको यहाँ पे ऐड करना है। तो सबसे पहले आप लोग को शरीर को यहाँ पे ऐड करना है, अब बैक जाना है। बैक जाने के बाद इसका जो लेंथ है इस तरह से आप लोग को बढ़ा देना है, इस तरह से आप लोग को यहाँ पे जितना आपका बैकग्राउंड इमेज है उतना आप लोग को यहाँ पे रख लेना है। अब रखने के बाद इस शरीर को ना एडजस्ट करना पड़ेगा, तो इसको इस तरह से करना है और यहाँ पे इसको इस तरह से ला देना है। अब लाने के बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा इसलिए किया हूँ, थोड़ा यूनिक तरह से दिखाई दे और अच्छी तरह से दिखाई दे, ठीक है। अब आप लोग को क्या करना है, बैक जाना है। बैक जाने के बाद देखिए सबसे पहले आप लोग को करना क्या, लेयर वाले पे फिर दोबारा क्लिक करना है, मीडिया क्लिक करना है और फिर दोबारा आप लोग जो अभी पतलू का और तीन सिर को जो अलग किए हैं PNG थ्रू इरेज किए हैं उसको यहाँ पे बारी बारी ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे पतलू का मैं कर देता हूँ, पतलू का करने बाद इसका कर देता हूँ, फिर इसका कर देता हूँ, फिर इसका कर देता हूँ। अब यहाँ पे चारों सिर को यहाँ पे एक बार में ही ऐड कर देना है। अब आप लोग को बैक जाना है। बैक जाने के बाद अब देखिए आप लोग को पतलू वाले सिर पे क्लिक करना है और इसका जो लेंथ है इस तरह से अपने वीडियो के जो बैकग्राउंड इमेज है उतना यहाँ पे एडजस्ट कर देना है, यहाँ पे इक्वल पे कर देना है। फिर दोबारा इस वाले पे क्लिक करना है, इसको भी इस तरह से प्रेस करके यहाँ पे फटाफट मैं कर देता हूँ, यहाँ पे फुल लेंथ पे कर देना है। अब दो इमेज बचा है, फिर दोबारा इस पर क्लिक करना है, इसको भी इस तरह से कर देना है। अभी देखते रहिएगा, अब इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट कर देना है, ठीक है। अब फिर दोबारा लास्ट वाले पे जाना है और उस पर इस तरह से कर देना है। अब देखिए इस तरह से करना है। अब इस तरह से करने के बाद अब आप लोगों को क्या करना है, पतलू का जो सिर अभी ऐड किया है उस पर क्लिक कर देना है, उस वाले लेयर पे क्लिक करना है और उसको इस इधर साइड में कर देना है, ठीक है, इस साइड में कर देना है और फिर दोबारा इस पर क्लिक करना है और इसको यहाँ पे कर देना है। आप लोग कहीं भी कर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब इसको यहाँ पे कर देता हूँ और उसके बाद मोटू का जो सिर है उसको यहाँ पे कर देता हूँ। अब इतना करने के बाद आप देखिए ये जो साइज है ना सिर का, ये छोटा है, काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो बारी बारी से आप लोग को यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा इसको भी। तो इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे पहले ला देना है, लाने के बाद थोड़ा सा इसके हिसाब से बड़ा रखना है कि ये एडजस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देख सकते हैं ये एडजस्ट हो चुका है। तो आप लोगों को क्या करना है, इतना पे यहाँ पे फिर दोबारा साइड में ला देना है। अब फिर दोबारा इस वाले पे क्लिक करना है और इसको भी यहाँ पे ला के इसका भी साइज थोड़ा इस तरह से बड़ा कर देना है कि शरीर के मुकाबले थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे, ठीक है, इतना बड़ा कर देना है, इतना बड़ा देख सकते हैं, सही है। अब इसको भी यहाँ पे साइड में कर देना है, फिर दोबारा इस पर क्लिक करना है और इसका भी साइज इस तरह से देख लेना है, तो इसको इसी तरह से इतना पे कर देना है। अब देखिए ये भी हो चुका है, इस पर कर देना है। अब यहाँ पे मोटू का जो सिर है उसको तो भाई आप लोगों को अच्छी तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा, तो इस तरह से एडजस्ट कर देना, देख सकते हैं ये एडजस्ट हो चुका है। अब फिर दोबारा इसको भी साइड कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए एनिमेशन आप लोग को देना पड़ेगा, तो उसके लिए आप लोग को करना क्या है, देखिए यहाँ पे मैं एक बार प्ले करके दिखा रहा हूँ, यहाँ देखिए सिंपल तरीके से कोई एनिमेशन नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग को जो मोटू का शरीर है ना उस पर क्लिक करना है, उस वाले लेयर पे, फिर इन एनिमेशन पे जाना और नीचे जाना और स्लाइड अप पे क्लिक कर देना है। अब इसका स्पीड थोड़ा सा बढ़ा देना आप लोग को, इतना बढ़ा देना है। अब बढ़ाने के बाद देख सकते हैं ये एनिमेशन देना स्टार्ट हो चुका है। अब देखिए सबसे पहले ये यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे पूरा शरीर आ चुका है। अब सबसे पहले आप लोग को पतलू का जो है सिर उसको यहाँ पे कर देना है। अब करने के बाद देखिए थोड़ा सा इसको इतना पे कर देना है और फिर दोबारा इसको यहाँ पे इसको कर देना है, थोड़ा लेयर आप लोग को पीछे करना पड़ेगा, इतना करके फिर दोबारा इसे वाले लेयर को कर देना है। अब देखिए इतना ही लेयर किया हूँ ना, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो देखिए इतना लेयर किया हूँ तो इतना थोड़ा
बढ़ा दे रहा हूँ और फिर दोबारा इस चौथे वाले लेयर को यहाँ पे कर दे रहा हूँ। अब देखिए आप लोग को इस सिर वाले पे भी क्लिक कर देना है, पतलू वाले पे, फिर इन एनिमेशन पे जाना, पॉप पे क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर दोबारा इस वाले लेयर पे क्लिक करना है, इन पे जाना, पॉप पे क्लिक कर देना है। फिर दोबारा इस पे क्लिक करना, इन पे जाना, पॉप पे क्लिक कर देना है। और फिर दोबारा इस पे क्लिक करना और इन पे जाना, पॉप पे क्लिक कर देना। अब ये सभी एनिमेशन हो चुका है। अब मैं एक बार आप लोग को प्ले करके दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, देख सकते हैं, ये आया, ये आया, ये आया। अब देखिए आप लोग को यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके ये अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, देखिए एक बैकग्राउंड म्यूजिक तो आपको काई मास्टर के अंदर ही डाउनलोड करने का तरीका मिल जाएगा। और जितने भी बैकग्राउंड मैं यूज कर रहा हूँ बैकग्राउंड म्यूजिक, वो आप लोग को मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप लोग जाएंगे, वहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। अब सबसे पहले आईडियो पे क्लिक करना और यहाँ पे SFX लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इस वाले को मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। देख सकते हैं इस वाले को, नहीं इस वाले 5 को। अब यहाँ पे इस पर क्लिक करके प्लस वाले क्लिक कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये है ना, इतना से मुझे लाना पड़ेगा, तो यहाँ फालतू का जो पार्ट है पहले का उसको कट करना है। तो उसके लिए आप लोग को इस पर क्लिक रखना है और नीचे जाना है और कैंची पे क्लिक करना, ट्रिम लाइट कर देना है और इसको प्रेस करके यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे मिला देना। अब देखिए यहाँ पे मैं एक बार प्ले करके आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ देखिए अब ये हो चुका है। अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे जो पॉप वाला है इसका बैकग्राउंड देना है म्यूजिक। तो आप लोग को फिर दोबारा आईडी क्लिक करना है, नीचे जाना, फोल्डर पर क्लिक करना और ये मैं यहाँ पे किया हूँ, देख सकते हैं ये वाला है कार्टून जंप, आप लोग को प्लस कर देना है। अब देखिए आप लोग यूट्यूब पे जाएंगे, कार्टून जंप बैकग्राउंड म्यूजिक नो कॉपीराइट इतना लिखकर सर्च करेंगे आप लोग को मिल जाएगा, आप लोग वहां से भी कर सकते हैं। अब देखिए ये हो चुका है। अब आप लोग को क्या करना है, इस पे क्लिक है, मिक्सर पे जाना, 100 इसको 200 कर देना, इसका साउंड इंक्रीज हो जाएगा। अब इसको ऑन कर देना है, फिर बैक जाना है। अब इसको मान लेते हैं आपका सार चीज मतलब चार सिर है, तो चार सिर के ना यहाँ पे चार बारी में यहाँ पे करना पड़ेगा। तो इसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है चार बारी में करना पड़ेगा, तो इसको आप लोग को बार बार ऐड करने की कोई जरूरत नहीं, इसको डुप्लीकेट कर देना है। तो उसके लिए आप लोग क्या करना है, एक तो आपको मिल ही गया है, अब लेफ्ट साइड में 3 डॉट का आइकन दिखाई दे रहा होगा, आप लोग को इस पर क्लिक करना, डुप्लीकेट कर देना है। 2 हो गया, फिर इस पर क्लिक करना, डुप्लीकेट, 3 हो गया, फिर जो करना है फिर डुप्लीकेट, 4 हो गया। अब यहाँ पे 4 आप लोग को बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे म्यूजिक देखने के लिए मिल जाएगा, सॉरी दोस्तों। अब फिर दोबारा इस वाले जो है ना सिर पे क्लिक कर देना है और एक यहाँ से इस तरह से यहाँ पे इसको इतना कर देना है। अब ये हो चुका है। अब तीसरे वाले पे क्लिक करना है, तीसरे वाले पे क्लिक करने के बाद फिर दोबारा आप लोग को क्या करना है, इसको यहाँ पे कर देना है, देख सकते हैं। अब चौथे वाले पे क्लिक करना है, फिर दोबारा आप लोग को इसको यहाँ पे कर देना है। अब देखिए मैं आप लोग को एक बार प्ले करके आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, देखिए कितना यूनिक तरह से हुआ। तो अब आप लोग को ध्यान से देखना है, ठीक है। अब आप लोग का यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, अभी देखिएगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से, चारों आ गया, यहाँ पे ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब आने के बाद देखिए यहीं पे आप लोग को रोक देना है। रोकने के बाद अब आप लोग को क्या करना है, टाइमर चलाना है। सबसे पहले टाइमर आप लोग को यहाँ पे आप लोग जाएंगे यूट्यूब को ओपन करेंगे, वहाँ पे लिखिएगा ग्रीन स्क्रीन टाइमर, इतना आप लोग लिख देंगे ऑटोमेटिक आप लोग को मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। अब लेयर वाले पे क्लिक करना है, मीडिया जाना है और यहाँ पे मैं सबसे पहले टाइमर को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के बाद आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले नीचे जाना है, नीचे जाना और भी नीचे जाने के बाद यहाँ पे क्रोमा की का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना, इसको ऑन कर देना है। इसको ऑन करने बाद आप लोगों को क्या करना है, इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर देना। अब देखिए यहाँ पे छोटा कर देना है। अब आप लोगों को बैक जाना, फिर दोबारा बैक जाना और एक बारी प्ले कर देना है। अब देखिए 5 बारी चलेगा ये देखिए। अब देखिए यहीं पे आया, तो यहीं पे थोड़ा सा ये फालतू का पार्ट है, तो इसको आप लोग को कट कर देना है। तो इसी पे क्लिक करके कैची पे क्लिक करना है, ट्रिम राइट कर देना है। अब देखिए दोस्तों आप लोग को क्या करना है, अब यहाँ पे एनिमेशन आप लोग को देना पड़ेगा। तो सबसे पहले पतलू का सिर है, तो यहाँ पे आप लोग को पतलू के सिर पर क्लिक कर देना है, जहाँ पे टाइमर खत्म हो रहा है वहीं से एनिमेशन देना है, ठीक है। अब इस पर क्लिक करना, यहाँ पे लेफ्ट साइड में चाबी का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो भाई चाबी के ऑप्शन नहीं दिखाई देता है काइन मैटर के अंदर, क्योंकि वो अपडेट नहीं किए रहते हैं। तो आप लोग का यहाँ पे इस जो डिलीट का ऑप्शन है उसके ऊपर चाबी का ऑप्शन दिखाएगा, चाहे सेटिंग का ऑप्शन दिखाएगा, दोनों सेम है, आप लोग का दोनों सेम तरीके से होगा। तो आप लोग को चाबी वाले पे क्लिक करना है और प्लस पे क्लिक करना है और इसका जो लेंथ है इस तरह से आप लोग को इतना बढ़ा देना है, इतना पिला देना और इसको क्या करना है, इस तरह से यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर देना, देख सकते हैं। अब एडजस्ट करने वाला आप लोगों को क्या करना है, फिर दोबारा इस पर क्लिक कर देना। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे एनिमेशन हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे टाइमर खत्म होगा, मैं एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए टाइमर खत्म होगा, अब ये आया, अब आने के बाद यहीं पे रुक गया। अब रुकने के बाद आप लोग को वहीं पे स्टॉप कर देना, फिर बैक जाना है। अब यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, बॉम वाला यहाँ पे ऐड करना है, तो वो भी आप लोग को YouTube पे जाना है और वहाँ पे बॉम ग्रीन स्क्रीन इतना आप लोग को लिख देना है, ऑटोमेटिक आप लोग को दिखाई देगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अब फिर दोबारा लेयर पे जाना है, यहाँ पे मीडिया जाना है और यहाँ पे बॉम वाला मैं ऐड कर देता हूँ। अब बॉम वाला ऐड करने के बाद इसका देखिए जो लेंथ है थोड़ा बड़ा है, फालतू का पार्ट आप लोग को कट करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से मैं यहाँ पे इतना कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे बॉम मेरा आ चुका है। अब इतना करने
है और आप लोग को कैंची क्लिक करना, ट्रिम राइट कर देना है। ट्रिम राइट करने के बाद अब देखिए सबसे पहले आप लोग को इसको ऊपर कर देना है, इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देना है। अब बैक आना है, फिर दोबारा नीचे जाना है, क्रोमा की के ऑप्शन पे क्लिक करना, इसको ऑन कर देना है। अब इसको एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा इस तरह से, ठीक है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। अब एडजस्ट करने के बाद आप लोग को बैक जाना है, बैक जाना है एक बार पहले प्ले करना है, आप लोग को प्ले करना है। अब देखिए बॉम यहाँ पे फटा, तो मतलब छोटा लेंथ रखना है, तो यहीं पे रोक देना है, रोकना है, कैंची क्लिक करना, ट्रिम राइट कर देना है। ट्रिम राइट करने के बाद अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, ओ नो का एक ऑप्शन मतलब बैकग्राउंड इफेक्ट आता है, वो भी आप लोग को यूट्यूब पे ही मिल जाएगा, ओ नो सर्च करेंगे ऑटोमेटिक मिल जाएगा। अब उसको यहाँ पे ऐड करना है, बैक जाना है, बैक जाने के बाद आइडियो पे, मैं प्रोफेशनल वीडियो एडिट करने के लिए बता रहा हूँ आप लोग को, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा तभी जाके समझ में आएगा। अब फोल्डर पे जाता हूँ, फिर दोबारा ओ नो वाला मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे ओ नो। अब देखिए यहाँ पे ओ नो मैंने कर दिया। अब करने में इसका भी जो लेंथ है इस तरह से ज़्यादा बड़ा है, तो इसको आप लोग को इतना कर देना है और इसको भी यहाँ पे इतना कर देना है। अब करने बाद फिर दोबारा इसके ग्रीन वाले करना है और इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे इसको यहाँ पे ऐड कर देना है। यहाँ देखिए अब मैं एक बार यहाँ पे पहले यहाँ पे सुन लेता हूँ, देख सकते हैं। अब देखिए ओ नो, अब देखिए ओ नो यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है, ओ नो यहाँ से बोल रहा है ये। इसको फिर दोबारा क्लिक करना, नीचे जाना है कैंची पे, ट्रिम लेफ्ट कर देना है। अब इसको फिर दोबारा इस पर क्लिक करना और इसको यहाँ पे मैच करा देना है, इसको यहाँ पे मिला देना है, ठीक है, इसको मिला देना इस तरह से। अब देखिए हमारा ये अट्रैक्टिव तरह से हो जाएगा। अब देखिए बम फूट गया। अब आप लोग को सेम इसी तरह से चारों इमेज को इस तरह से करना है, और लास्ट में जो आप लोग का ये जो इमेज है यहाँ पे एडजस्ट होगा उसको भी मैं यूनिक तरीके से बता देता हूँ, लेकिन ये तीनों आप लोग को बारी बारी से कर लेना है, ठीक है। एक मैं बता दिया हूँ, अगर मैं तीनों बताने लगूंगा तो बहुत ही बड़ा ये वीडियो का लेंथ हो जाएगा, तो लास्ट पॉइंट में आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ देखिए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब फिर दोबारा सेम उसी तरह से मैं बता रहा हूँ आप लोग को, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे उन्होंने बोला यहाँ पे फट गया। अब फटने के बाद देखिए सबसे पहले आप लोग का ये जो पतलू का सिर है ना, ये जहां पे है वहीं पे रुक जा रहा है, तो जहां फट रहा है ना तो इसको आप लोग को वापस भेजना पड़ेगा। अभी देखिए अब ये फट गया, यहीं पे रुक गया। अब देखिए ये फटा, यहीं पे रुक गया। रुकने के बाद आप लोगों को क्या करना है, फिर दोबारा पतलू वाले सिर पे क्लिक करना है और चाबी पे जाना है, प्लस पे क्लिक करना है और इसको थोड़ा सा इस तरह करके और इसको अपनी जगह पे इस तरह से कर देना है। अब देखिए मैं आप लोग को एक बार प्ले करके दिखा रहा हूं, यहां देखिए कितना बेहतरीन तरह से होगा, देख सकते हैं। ये आया, बम फटा, फिर वापस वहाँ चला गया, गया ना। अब आप लोग को मैं लास्ट पॉइंट बताता हूँ। यहाँ देखिए सबसे पहले मोटू का जो सिर है ना, मोटू वाले सिर पे क्लिक कर देना है। अब क्लिक करते ही सबसे पहले आप लोग को स्टार्टिंग से फिर दोबारा टाइमर चलाना पड़ेगा। आप लोग को बैक जाना है, लेयर पे जाना है, मीडिया जाना है और टाइमर पे क्लिक कर देना है। टाइमर पे क्लिक करने के बाद नीचे जाना, सेम वही प्रोसेस है, क्रोमा की पे ऑन कर देना है इसको और फिर दोबारा बैक जाना है और इसको थोड़ा सा छोटा करके यहीं पर एडजस्ट कर देना है और फिर दोबारा आप लोग को वीडियो को प्ले करना है। प्ले करने के बाद यहाँ पे जब आपका टाइम खत्म होगा तभी स्टॉप बोल देना है। अभी देखिएगा यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टाइम खत्म, इसी पे रोक देना है। रोकने के बाद फालतू का पार्ट पे कैचिप जाके ट्रिम राइट कर देना, कट गया। अब कटने के बाद अब आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए जो मोटू का सिर है, लास्ट पॉइंट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक तरीका और मैं आप लोग को बताऊंगा, अभी देखिएगा। आप लोग को यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना, फिर चाबी जाना है और प्लस पे क्लिक कर देना है। करने के बाद आप लोग को क्या करना, थोड़ा सा इतना इसका लेंथ बढ़ा लेना है और इसको इस तरह से लाना है और इसको अच्छी तरह से इस तरह से एडजस्ट कर देना है। अब एडजस्ट करने के बाद आप लोग का ये हो चुका है और होने के बाद अब आप लोग को क्या करना, देखिए यहाँ पे आया, आने के बाद आप लोग को यहाँ पे लास्ट पॉइंट इसलिए मैं बताया हूँ, अभी देखिएगा ध्यान से, लेयर पे जाना है, मीडिया जाना है, सॉरी दोस्तों, लेयर पे जाना है, मीडिया जाना है और ये वाला जो आप लोग का ये जो भाई फूल वगैरह जो गिरता है वो वाला आप लोग को मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा। अब मतलब डाउनलोड कर लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं इतना बढ़ा देता हूँ जो फालतू का पार्ट है। करने के बाद यहाँ पे पहले देख लेता हूँ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देख सकते हैं ये पूरा फुल लेंथ पे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से इतना बच रहा है। तो अभी देखिए यहाँ पे जो सबसे पहले मोटू का जो एनिमेशन दिया है हम लोग कहाँ से दिए हैं, यहाँ से दिए हैं। अब यहाँ पे देने के बाद देखिए ये एडजस्ट हो गया है, तो यहीं पे रोक देना है और एनिमेशन वाला क्लिक देखना है आप लोग को इतना पे। अब देखने के बाद इस पर क्लिक करना है, फिर कैंची जाना है, ट्रिम राइट कर देना है और फिर दोबारा आप लोग को क्या करना है, इस तरह से यहाँ पे आना है और इसका जो टाइमर खत्म हो रहा है यहीं पे रोक देना है, फिर ट्रिम लेफ्ट कर देना। अब ये बीच का पार्ट वो हो चुका है। अब आप लोग को अभी टच नहीं करना, अभी बैक जाना है। बैक जाने के बाद नीचे जाना, सिलेक्ट स्क्रीन का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना और इसको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद अब ये फुल स्क्रीन पे हो जाएगा। अब आप लोग को बैक जाना है, फिर दोबारा नीचे जाना है, क्रोमा की पे इसको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद अब देखिए यहाँ पे ये एडजस्ट हो चुका है। अब एडजस्ट होने के बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे ऑडियो पे जाना और नीचे जाना है फोल्डर में और यहाँ पे एक और मैं बैकग्राउंड इफेक्ट यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे चिल्ड्रेन वाला, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले डाउनलोड पे मैं किया हूँ, यहाँ पे चिल्ड्रेन वाला कहाँ गई है, ये वाला है, इस पर मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। फिर आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले ऐड कर देना है। ऐड करना है इसका जो लेंथ है इस तरह से, इसको यहाँ पे थोड़ा सा इतना कर देता हूँ और फिर दोबारा आप लोग को क्या करना है, ग्रीन स्क्रीन जो अभी ऐड किए हैं इस पर यहाँ पे मिलाना है और सेम जितना बड़ा इसका लेंथ है
सॉरी दोस्तों अभी ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है, जितना इसका लेंथ है उतना इसको रखना है, इस पर क्लिक करना, नीचे जाना है, कैंची पे ट्रिम राइट कर देना है। अब ये देखिए आपका वीडियो ये क्रिएट हो चुका है। अब मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा रहा हूँ प्ले करके, यहाँ देखिएगा। देखिए कितना बेहतरीन यहाँ पे क्रिएट हुआ है, देखिए। देखिए कितना बेहतरीन हुआ। अब देखिए अब ये मोटू का जब सिर एडजस्ट होगा तो ये एडजस्ट हो जाएगा, अभी देखिएगा, देख सकते हैं। अब ये आया ना, तो अभी देखिए यहाँ पे अभी ये मिला नहीं है तभी ये यहाँ पे चलने लगा है। तो इसका मतलब आप लोगों को क्या करना है, मोटू वाला जो यहाँ पे एनिमेशन है इसके लास्ट पॉइंट से करना है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और इसको यहाँ मिला देना है, और फिर दोबारा जो अभी ये चिल्ड्रेन वाला इफेक्ट है उसको भी यहाँ पे मिला देना है, ठीक है। अब देखिए आपका और यूनिक तरह से बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए जब सिर मिलेगा तभी यहाँ पे फूल निकलेगा, आप देखिए, देख सकते हैं कितना बेहतरीन ये हो चुका है। अब ये आपका वीडियो क्रिएट हो चुका है। इसी तरह से आप लोग को सेम ये वाला सिर करना है। मैं लास्ट पॉइंट इसलिए बताया हूँ क्योंकि लास्ट पॉइंट नहीं बताता तो ये फूल वाला आपको पता नहीं चल पाता है और यूनिक तरीके से नहीं बन पाता। तो अब आप लोग को क्या करना है, इसका जो लेंथ है ऊपर वाला ये, इस पर क्लिक करना है और कैंची जाना, ट्रिम राइट कर देना। अब देखिए नीचे वाले लेयर से कोई मतलब नहीं है, जितना आपका 20 सेकंड ऊपर वाला ही बैकग्राउंड इमेज है उतना ही आपका सेव होगा, ऊपर वाला ही लेयर मायने रखता है। अब आप लोग को बैक जाना है, फिर दोबारा बैक जाना है। अब यहाँ पे राइट साइड में एरो एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आप लोग को इस पे क्लिक करना है। क्लिक करना है, अब ये देखिए आप लोग को क्या करना क्या है, जो फुल मतलब यहाँ पे फुल वीडियो है, लॉन्ग वीडियो है, तो आप लोग को 1440 पे कर देना है, फ्रेम रेट 60 पे कर देना, और ब्राइटनेस जो है इसका मैक्सिमम आप लोग को 13 या 14 पे रख लेना है, यहाँ पे ज्यादा लंबा नहीं करना है, 14 पे भी कर सकते हैं आप लोग। फिर सेव एज वीडियो का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आप लोग को सेव एज वीडियो पे क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिक आपके गैलरी में सेव होना स्टार्ट हो जाएगा। अब दोस्तों बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको भाई डाउट होता है कि इस तरह के चैनल का कैटेगरी क्या रखना है, तो आप लोग फिल्म एंड एनिमेशन रखिएगा, बेस्ट कैटेगरी है, आपका चैनल जो है बहुत ही तेजी से ग्रो होगा। अब दोस्तों गर्मी बहुत ही ज़्यादा है और आपका भाई इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू टाटा, बाय बाय।